एस्ट्रो इन्फॉर्मेशन ज्योतिष जानकारी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित अनिल गुरु जी एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। मित्रों, मैं 18 साल से इस फील्ड में हूँ, तो आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 मिनट की यह जानकारी है, तो वीडियो को आप अवश्य ही देख। मित्रों, भारत एक धार्मिक देश है और चारों दिशाओं में यहाँ पे देवी देवताओं का वास है और लोगों के अंदर आस्था जो है कूट कूट के भरी हुई है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में लोगों की अपनी अपनी आस्था के देवता हैं। तो आज हम आपको वही बताते हैं कि हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सबसे ज़्यादा किस भगवान को माना जाता है, किस भगवान की पूजा की जाती है और सबसे ज़्यादा आस्था वो लोग किस देवता पर रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों साउथ की। साउथ में गणेश भगवान यानी बप्पा को बहुत माना जाता है। सबसे ज़्यादा बप्पा को जो माना जाता है साउथ में माना जाता है। फिर बात करते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में बप्पा के बप्पा यानी भगवान भोले शंकर को माना जाता है, यानी कि उत्तर भारत में भोलेनाथ की बड़ी महिमा है और यहाँ पर को श्रद्धालु यानी कि यहाँ के जो लोग रहते हैं वह भगवान शिव शंकर की ही सबसे ज़्यादा आराधना करते हैं। अब बात करते हैं ईस्ट में यानी कि पूर्व में, यहाँ पर श्री हरि का वास है। यहाँ के जो लोग हैं वह भगवान श्री विष्णु को, श्री हरि को पूजते हैं और सबसे ज़्यादा आस्था उनके प्रति रखते हैं। अब बात आती है वेस्ट में। वेस्ट जो है वह माँ का एरिया है, यहाँ माँ काली की पूजा होती है। यहाँ के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा जो इनकी श्रद्धा होती है वह महाकाली में होती है, क्योंकि हमारा ज्योतिष का कार्य मित्रों चारों दिशाओं के लोगों से हमारा संपर्क रहता है, तो हम उनसे पूछते हैं तो उस हिसाब से यह आकलन है। करीब पिछले 18 साल से मैं ज्योतिष के फील्ड में, मैंने आपको पूरे बताया, तो यह मेरा अपना एक निजी आकलन है, वहाँ के लोगों का आकलन है कि उनकी आस्था है सब पे लेकिन सबसे ज़्यादा वह इन्हीं को मानते हैं। तो मित्रों, छोटी सी जानकारी थी मैं आप लोगों के लिए लेके आया। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो जरूर करिए, किंतु यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाइए, अन्यथा आपका सब्सक्राइब किया हुआ व्यर्थ है। तो मित्रों, मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।